चक्कर इतना टिकाव वाला किरदार इतना आसानी सहजता से कर दिया, कैसा महसूस होता है जब इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है? आई एम गेटिंग गुड। देखिए जब कालीन भैया का दुश्मन ऐसा आदमी और अभिनेता हो ना पंडित, तो सब हो जाता है। पंडित जी हैं हमारे सीनियर राजेश दा, तो यार वो क्राफ्ट है, हम लोग सीखे, हम लोग लकीली गुरु भाई टाइप हैं, एक ही स्कूल से पढ़े हुए लोग हैं, तो अभिनय ही सीखे हैं, 24 घंटे यही काम है, इसी के बारे में सोचते रहते हैं ना दादा। तो हम तो बेहतर या थोड़ा अलग करें तो एक्सपेक्टेड भी होगा। भारत सरकार का 3 साल हमने नमक दाल खाया है एक्टिंग के नाम पे, आपके टैक्स पेयर की मनी में सीखा है। हाँ, टैक्स पेयर के तो मनी पे एक्टिंग सी, अरे क्या बात है, टैक्स पेयर के मनी पे हमने एक्टिंग सीखी है, तो हमारा बनता है कि वो खून पसीने की कमाई के पैसों को हम सही में चुकाएं। क्या उम्मीद की थी इतना ज़्यादा कामयाब होगा, इतना सराहा जाएगा, बताइए। मुझे तो नहीं थी यार, हालांकि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, सब अच्छा था, बट चूंकि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का रीच पता नहीं था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, जेन्युइनली मैं वाकिफ नहीं था, अब पता चला कि बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। यार वो तो एक्सेल या अमेजॉन प्राइम के लोग बता सकते हैं, क्योंकि हम तो अभिनेता हैं, ना ही हम आधिकारिक तौर पे वो बताने की स्थिति में है, या नहीं हमें सूचना है, इनफैक्ट फैक्ट यही है। ऑफकोर्स मतलब जो इतना लोग देखो, जिस डिमांड सप्लाई की बात है, डिमांड अधिक है तो सप्लाई होगी, तो लोग पसंद कर रहे हैं। गुरु अभी किताब देखने आए हैं, बड़ी खूबसूरत सी शॉर्ट फिल्म, दादा मिल गए तो हम लोग मिर्ज़ापुर मोड में लग गए, तो हम फिलहाल बात करते हैं इस फिल्म की, अभी हमने देखी है। बहुत बहुत ही खूबसूरती से फिल्म अपना मैसेज देती है कि हम किताबों से कैसे दूर हो रहे हैं धीरे धीरे, और मैं बार बार ये कि अगर मैं अभिनेता बना, राजेश का अभिनेता बने, या जो डायरेक्टर हैं मिश्रा जी, अरे डायरेक्टर साहब कमलेश जी इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए भाई, यहाँ बैठिए, यहाँ आ जाइए, इधर आ जाइए, बीच में आइए, बीच में आइए, ये डायरेक्टर महोदय हैं हमारे कमलेश जी। हेलो, तो बहुत खूबसूरती से मैसेज दिए हैं, और हमारा इनके किताबों का ही संबंध है, ताकि मैं यहाँ आया हूँ, मेरे बाबा गांव में मेरे पड़ोस के थे बाबा, इनको गोपेश्वर महाविद्यालय में हिंदी पढ़ाते थे, इनके हिंदी के प्रोफेसर HOD थे मेरे बाबा, जिन्होंने मेरे ज़िंदगी में, राम नरेश त्रिपाठी उनका नाम था, जिन्होंने लिटरेचर मुझे पढ़ाया, और मैं अभिनेता बना, उनमें किताबों का बहुत बड़ा योगदान है। हम आजकल, और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आगे भी ट्रांसफॉर्म हो, जैसे मैं अपनी बेटी को पढ़ाता हूँ, दादा वो 13 साल की है, कम से कम 250 किताबें पढ़ चुकी है, और वो किंडल नहीं पढ़ती है, वो बोलती है मुझे पेपर का स्मेल चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है पढ़ना। एक गुलजार साहब की नज़्म है ना कि वो पन्ने पलटने का जायका चला गया, एक क्लिक में वो नहीं आता, वो नहीं आता। आप भी बड़े यंग दिख रहे हैं, कुछ वर्कआउट कर रहे हैं किरदार को लेकर? किरदार सीरियसली बोल रहा हूँ, किरदार किरदार वेट वेट भी बड़ा लूज किया, वेट की कम किया है। हाँ, बड़ी निगाह मेरी आपके बारे में। हाँ, सिक्रेट के लिए या मिर्ज़ापुर 2 के लिए? नहीं, एक ऐसी फिल्म है जिसकी बाद में बताऊंगा, जिसमें मैं हीरो बन रहा अच्छा, उसके अलावा जिस तरह का सिनेमा, जब हम बोलते हैं सिनेमा, सिनेमा की कोई जात नहीं होती, लेकिन जिस तरह का सिनेमा बन रहा है और जिस तरह की कॉन्ट्रोवर्शियल विवाद चल रहे हैं, जब हम एक्सटेंडेड प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं या पूरी की बात करते हैं, अब एक तरफ सिनेमा दो धड़े में बट गया है, किसी को लगता है हम सही हैं और किसी को लगता है हम सही हैं, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? और क्या ये जायज़ है किसी जो हमारी देश, हमारे देश का प्रधानमंत्री रह चुका है, उसकी गरिमा को नीचे दिखाना एक फिल्म के माध्यम से, और किसी एक पार्टी विशेष को ग्लोरीफाई करना पूरी के माध्यम से? बहुत अच्छा सवाल किए, मुझे फंसा रहे बताइए नहीं इस पर मैं क्या बताऊँ। देखिए, अब जो मेरी अपनी पर्सनल वो है, फिल्म देखना आपकी चॉइस में है, बनाने वाले को स्वतंत्र करना चाहिए,
उसको बनाने दीजिए, खराब बनाएगा तो अगली नहीं बनाएगा ना, ना बनाने देंगे। आई थिंक मेरा भी, मैं सहमत हूँ इस बात से कि फिल्म ना एक अच्छी होती है और एक ख़राब होती है। उसके बाद फिल्म पॉलिटिकल होती है, थ्रिलर होती है, कॉमेडी ड्रामा होती है। अच्छी होगी लोग स्वीकारेंगे, फिल्म ख़राब होगी हमारी जनता खुद अस्वीकृत कर देगी किसी भी फिल्म को। और आप अगर गंभीरता से भी देखें तो हर फिल्म मेकर का, डायरेक्टर का, चूँकि मैं अभिनेता हूँ, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, बट समहाउ एक डायरेक्टर का कहीं ना कहीं अपना पॉलिटिकल ओरिएंटेशन होता है कहानी कहने में, जो कहानी कहता है। तो जिस डायरेक्टर को जो उचित लगा होगा बनाए होंगे। देखिए, मैं जैसा हूँ या पंकज भाई जैसे हैं या राजेश भाई जैसे हैं, मुझे अभी नहीं मालूम, आप उसी रूप में हमें पोर्ट्रेट करेंगे। अब किसी को ये पसंद आए ना आए तो ये मेकर की गलती तो नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, डिस्ट्रॉय करना किसी भी कैरेक्टर को हम नहीं जानते, हमने दोनों फिल्में अभी नहीं देखी। आप कोई किरदार करना चाहेंगे उसको, अगर आपको दिया जाए? हम किताब की ही बात करें ना, हम लोग कहाँ राजनीति और क्या कहना चाहेंगे। अमित शाह का तो मन भी है, अमित परमिशन मिल जाती है तो उसके लिए क्या, मुझे मेरे को जब अप्रोच करेंगे, कहानी सुनाएंगे मुझे, वो कहानी और मेरा किरदार पसंद आएगा तो प्रोफेशनल अभिनेता हूँ, डेट्स मैच हो जाएगा तो क्यों नहीं करूँगा। तो एक प्रोसेस होता है, मैं इंटरव्यू में ये फिल्म आप करेंगे कैसे बता दूँगी। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं डायरेक्टर का दृष्टिकोण क्या है, वो कहना क्या चाहता है। तो ये प्रोसेस ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने लगते हैं कि एक्टर को एक फिल्म ऑन बोर्ड आने में। अब आपके एक सवाल में कैसे मैं आंसर देता हूँ, तो वेब सीरीज तो जरूर आई जाएगी सर। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया मेरे भाई।